होलिका दहन पर होता क्या है? प्रहलाद की बुआ और हिरण्यकश्यप की बहन होलिका का अंतिम संस्कार किया जाता है। पवित्र अग्नि में सांकेतिक रूप से होलिका की पूजा की जाती है। होलिका दहन को बेहद पुण्य देने वाला माना गया है। माना जाता है जीवन में नकारात्मकता, पूर्व जन्म के पापों को नष्ट करने के लिए होलिका दहन करना शास्त्रों के अनुसार उपयोगी माना गया है। प्राचीन काल में होली को होलाका के नाम से भी जाना जाता था। इस दिन आर्य नवात्रेष्टि यज्ञ करते थे। इसमें होलिका यानी खेत का कच्चा अन्न अग्नि को अर्पित कर प्रसाद ग्रहण किया जाता था। एक और पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान शिव ने इस दिन कामदेव को मारकर जीवित किया था। वहीं एक कथा के अनुसार राजा पृथु ने अपने राज्य के बच्चों को बचाने के लिए ढूंढी नामक राक्षसी को लकड़ी से जलाकर मार दिया था। इसलिए इसे बच्चों की रक्षा के लिए विशेष पूजा से जोड़कर मनाया जाता है। क्या है इस बार होलिका का मुहूर्त? होलिका दहन बृहस्पतिवार मार्च 17, 2022 को रात 9:06 से लेकर 10:16 तक रहेगा। अगले दिन चैत्र प्रतिपदा को खेलने वाली होली रहेगी। यूं तो होलिका दहन शुभ माना जाता है, पर क्योंकि ये होलिका के जलते हुए शरीर का प्रतीक है जो हमारे पाप कर्म, नकारात्मकता, पुराने बंधनों को भी दिखाते हैं, ऐसे में होलिका को लेकर कई तरह की मान्यताएं हैं। नवविवाहित महिलाओं को ससुराल की पहली होली देखना और होलिका देखना अशुभ माना गया है। वहीं नए घर में प्रवेश के बाद पहले त्योहार के तौर पर होली मनाना भी अशुभ माना गया है।